Hello and a very good morning to all of you. Welcome to the Topic Study YouTube channel और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज। देखिए, मैंने कमेंट्स में देखा था बहुत लोगों को डाउट है कि ये वीडियो कब आती है, तो मैं बता दूं, ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके टॉपिक स्टडी के चेक कर लोगे तो आपको 7 से 8 बजे के बीच में ये वीडियो आपको रोज़ मिल जाया करेंगी, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए भी तैयारी कर रहे हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन सारों के लिए, इवन आप अगर यूपीएससी के प्री में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं, यूपीएससी की आप प्री कर की तैयारी कर रहे हो, तो आप सब इसे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जो है वीडियोस की वो इजीली मिल जाया करेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉरियस अवार्ड 2019 की मेज़बानी कौन करेगा। फर्स्ट हमें ये जानना है कि लॉरियस अवार्ड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना, उसी तरह खेल के ऑस्कर अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है। खेल का ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो खेल के ऑस्कर के रूप में लॉरियस अवार्ड को जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन बोली जा रही है कि लॉरियस अवार्ड 2019 जो है उसे कौन होस्ट करने वाला है। तो देखिए, लॉरियस अवार्ड जो है ये नेक्स्ट ईयर 18 फेब को, मतलब 2019 में 18 फरवरी को ये आयोजित होगा, और इसकी जो मेज़बानी करेगा ना ये है मोनाको। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, मोनाको, ठीक है। एंड लॉरियस अवार्ड में बता दूं, जैसे 2017 में टेनिस प्लेयर जो रॉजर फेडरर है उनको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। एंड हमारे इंडिया से कपिल देव, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी लॉरियस एकेडमी के सदस्य हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ए मोनाको। मोनाको जो है लॉरियस अवार्ड 2019 जो कि 18 फरवरी को होगी उसकी मेज़बानी करेगा, उसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न शिकायत पोर्टल सी बॉक्स किस मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 653 जिलों में जोड़ा गया है। सबसे पहले ये समझिए ये सी बॉक्स है क्या। देखिए, जितने भी लोग, मतलब जितनी भी औरतें या जहाँ भी जो वर्किंग प्लेस होते हैं ना, और अगर आपके साथ कहीं कुछ यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं वर्किंग प्लेस को लेकर, तो मंत्रालय के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि ये सी बॉक्स पे ना आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वर्किंग प्लेस पे अगर ऐसी कोई यौन उत्पीड़न वाली केस आती है तो इसे जल्द ही सॉल्व किया जाएगा पूरी निगरानी के साथ। तो यही है सी बॉक्स, समझ में आगे चीज़ें, सी बॉक्स क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या था कि कार्यस्थल यौन उत्पीड़न शिकायत पोर्टल सी बॉक्स किस मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 653 जिलों में जोड़ा गया है। तो ये मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनके द्वारा ही ये सी बॉक्स को लाया गया है। जितनी भी जिन्हें भी यौन उत्पीड़न के शिकायत है वर्किंग प्लेस को लेकर, वो यहाँ आके अपने सारी बातों को यहाँ पास लिख सकती हैं सी बॉक्स में। एंड इसका जल्द ही, मतलब शीघ्र निपटान के लिए ये 33 केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और 333 जिलों के सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और 653 जिलों में जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल इसे हर जगह से कनेक्ट कर दिया है, समझना ये है, ठीक है। तो ये फुल प्रोटेक्शन के साथ आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा सी बॉक्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं, किस सरकार ने मिलावट विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए बिल पारित किया। मतलब ये कौन सी सरकार है जिन्होंने मिलावट विरोधी कानून, मतलब भोजन और अगर दूध में, इन दोनों में अगर मिलावट पाई जाती है तो, मतलब जिन्होंने मिलावट की है उन्हें जीवन कारावास या भारी जुर्माना लगाया जाएगा, तो इस तरह के बिल पारित हुए हैं। ये कौन सा राज्य है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने इस बिल को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं, भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7 हवाई अड्डों के लिए कम लागत वाले किस वाहक के उड़ान लाइसेंस को रद्द कर दिया है। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाहक को रद्द कर दिया, मैंने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब वो नहीं उड़ा पाएंगे, उनकी विमान नहीं उड़ेंगी, तो इनके सारे चीज़ निरस्त हो गए हैं। तो ये है एयर उड़ीसा,
ठीक है। और एयर उड़ीसा के ये जो 7 अड्डे हैं वो है, 7 एयरपोर्ट जो हैं वो है झारसुगुड़ा, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और विशाखापट्टनम। तो ये एयर उड़ीसा को पूरी तरह से बैन कर दिया, मीन्स इनके जो लाइसेंस है उसे निरस्त कर दिए गए। क्यों? क्योंकि इनकी खराब और अनियमित सेवाओं के कारण इन्होंने, मतलब उड़ान में 70% संचालन की कमी आई थी, कुछ भी नियमितता नहीं थी, टाइम की ले लीजिए या फिर कोई भी चीज़ों का मैनेजमेंट सही नहीं था, इसलिए एयर उड़ीसा को पूरी तरह से इसका इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा उड़ीसा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड सहित और भी जितने कुछ कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ भी इसकी उड़ान सेवाएं जो हैं उसे निलंबित कर दी गई हैं। ठीक है, तो याद रखना है एयर उड़ीसा की लाइसेंस को रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में कुछ कला तपस्वी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कुछ कला तपस्वी पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका नाम है श्री A.N. पाटिल। देखिए ये वरिष्ठ कलाकार है श्री A.N. पाटिल को चित्रकला शिल्पी D.V. हलभवी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये जो आपकी कुछ कला तपस्वी पुरस्कार है ना, ये धारवाड़ में इसे आयोजित किया गया था, इनके द्वारा ये स्थापित है कर्नाटक में। तो इन्हें ही ये कुछ कला तपस्वी पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये मिला है श्री A.N. पाटिल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं B. आन्या नामक एक चैट बॉट किस बीमारी के रोगियों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? चैट बॉक्स मतलब ये एक तरह का चैट बॉक्स है, इसका नाम है आन्या। नाम याद रखना आन्या, जो एक बीमारी के बारे में आपको बतलाएगी, वहाँ आप डायरेक्ट टेक्स्ट करके सारी चीज़ें पा सकते हैं। ये चिकित्सकों द्वारा मतलब डॉक्टरों के द्वारा यह पूरी सत्यापित जानकारी प्रदान करेगी। तो देखिए इन्होंने ये जो आन्या है ना, ये डायबिटीज़ के अध्ययन के लिए जो रिसर्च सोसाइटी की इन लोगों की 46 इनकी वार्षिक बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के लिए जितने भी चिकित्सक रूप से सत्यापित इस चैटबॉक्स के बारे में बताया है। इसमें डॉक्टर इंक्लूड होंगे, मतलब बहुत ही जल्दी इसमें चैट के माध्यम से आपको डायबिटीज के बारे में सारी चीज़ें, आप जो भी पूछोगे वो सारी हेल्प मिल जाएगी। और इसका नाम है आन्या। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमारा यही था कि आन्या नामक एक चैट बॉट किस बीमारी के रोगियों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये डायबिटीज, शुगर के जितने भी पेशेंट हैं इसमें आप तुरंत ही जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC विश्व T20 का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है, उन्होंने ICC विश्व T20 जो है उसका नाम बदल दिया है। पहले बोला क्या जाता था ICC विश्व T20, अब बोला जाएगा ICC T20 विश्व कप। तो जस्ट जरा सी हेर फेर है ICC विश्व T20 को ICC T20 विश्व कप कर दिया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं A, ये ध्यान रखना है आपको, और ये दोनों के लिए ही, अगर फीमेल टीम हो गई या फिर मेल टीम हो गई, दोनों टीम के लिए ये चीज़ किए गए हैं। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इल्स्टेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी, अ सागा ऑफ ट्राउम्फ पेन एंड ड्रीम्स, ये एक पुस्तक का नाम है। अब बोला जा रहा है कि ये पुस्तक किनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा लॉन्च की गई है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं A, अरुण जेटली, और ये इनके द्वारा ही लॉन्च की गई है। और इसमें क्या है ना, हॉकी वर्ल्ड कप जो 2018 है उसके रन अप में ये लॉन्च किया गया था, जो कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर में, हम सभी जान रहे हैं अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है भुवनेश्वर के, उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी होने वाला है ना, इस बार का हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो इसी में ये शुरू होगा, इसका रनअप जो हुआ था। तो अभी इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बुक में कम्प्लीटली 1928 ओलंपिक में जो भारत की कैसी भागीदारी रही थी, या वर्ल्ड कप, एशियन गेम एंड राष्ट्रमंडल खेलों समेत, मतलब इनके बारे में पूरी जानकारी है इस बुक में, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक ये सारी चीज़ें। इवन इसमें ये भी इंक्लूडेड है कि डिफरेंट टूर्नामेंट्स जो हुए थे वुमेन, और फिर जूनियर हॉकी नेशनल टीम की जो प्रदर्शनी रही थी, इन सारी चीज़ों की मुख्य विशेषता एंड सब कुछ इस बुक में इंक्लूड है। ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि हाँ, हॉकी के ऊपर ये एक बुक है पूरी आपकी, ओलंपिक के बारे में नॉल 1928 की।
तो ये हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा लॉन्च किया गया हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद दिवस के रूप में संबोधित भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 130वीं जयंती किस देश में मनाई गई है? देखिए मौलाना श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी की 130वीं जयंती मनाई गई है। अब ये किस देश में मनाया गया? ये मनाया गया नेपाल में। हमारा ऑप्शन हो जाता है डी नेपाल। एंड देखिए इन्होंने जो 130वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है भारत रत्न जो मतलब क्वेश्चन में है ना भारत रत्न मौलाना इन्हें भारत रत्न मिल चुके हैं तो अब्दुल कलाम जी के लिए। और यही थे जो हमारे इंडिया में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। फिर इन्होंने UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसकी नींव रखी थी। हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में शिक्षा मंत्री के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनकी अभी 130वीं जयंती मनाई गई है नेपाल में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस किस दिन मनाई गई? तो देखिए ये दोनों एक साथ सेलिब्रेट हुआ है। पहली चीज़ तो ये मौलाना आज़ाद दिवस के रूप में जो मनाया गया ये भी नेपाल में हुआ है नेपाल के काठमांडू में। एंड भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITCB जो है ये दिवस के रूप में मनाया गया है नेपाल के काठमांडू में। तो देश की बात पूछी गई है तो मैंने यहाँ नेपाल इंक्लूड किया है तो हमारे ऑप्शन जाते हैं डी नेपाल। एंड देखिए इसके अध्यक्षता जो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की अध्यक्षता की है गिरिराज ने, ठीक है, वो नेपाल के जो मिनिस्टर है एजुकेशन मिनिस्टर साइंस एंड टेक के, तो इन्होंने गिरिराज जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और हमारे इंडिया से जो नेपाल के राजदूत हैं मंजीव सिंह पुरी वहाँ उपस्थित थे। और ITC प्रोग्राम एक तरह का है मतलब लाइक उस कॉलेज से बेनिफिट्स जो है मेडिसिन एग्रीकल्चर साइंस लॉ सोशल साइंस इंजीनियरिंग आर्ट्स मतलब जितनी सारी पढ़ाई उन सारों से इनकी उनको पढ़ाई में मदद मिली है। तो ये सारी चीज़ों के रूप में ये भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस जो है वो नेपाल में मनाई गई है। एंड यहाँ मतलब नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए थैंकफुल थी कि इन्होंने इतना सपोर्ट किया है। ये सारी चीज़ें थी इसमें तो ये नेपाल में सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 25 नवंबर को। और इससे क्या है मतलब लीजिए महिलाएं हैं जितनी भी महिलाएं हिंसा का सामना करती है तो उन्हें उसके प्रति जागरूक करना है, ठीक है, कि वो आगे बढ़े और ये हिंसा को ना सहें, मतलब उन पर अगर कुछ अत्याचार होते हैं तो। इसके लिए ही ये महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये 25 नवंबर को इस साल सेलिब्रेट हुआ है। और इसका इस बार का थीम था विषय था ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मी टू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन जाता है ए 25 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। इनोवेशन सेल के तहत इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनोवेशन सेल के तहत इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। किस बैंक को अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक के रूप में माना जाएगा? मतलब ये एक PSU बैंक कहलाएगा। ये बैंक अभी तक इस श्रेणी में नहीं था पर अब ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक के रूप में माना जाएगा और ये बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए जम्मू कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारतीय क्रिकेटर T10 लीग के इतिहास में पहली हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी बने हैं? तो T10 क्या है? बहुत ही प्रारंभिक रूप है क्रिकेट का और इसमें ये कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने हैट्रिक लगा ली है, पहली हैट्रिक कंप्लीट की है? तो ये है प्रवीण तंबे। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 26 नवंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और हाँ एक बात और, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो वो आपको नीचे लिंक में टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको इसकी PDF आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।